हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो ये जो हमारा सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज हमारी रिसीविंग सरफेस के ऊपर डिपेंड होती हैं कि किस तरह की हमारे रिसीविंग सरफेस है, किस तरह का उसका नेचर है, और सरफेस से एमिट होने वाली जो वेवलेंथ, जो हमारी रेडिएशन होगी, उस रेडिएशन की वेवलेंथ कैसी है और वेवलेंथ की अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे इसमें यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेन, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, द नेचर ऑफ द सरफेस, द वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यानी कि सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमारी बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। किसी बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होता है तो उसकी रेट डिपेंड करेगी हमारी किस पर, पहले सरफेस के टेम्परेचर पर। यानी कि सरफेस का जैसा टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग उस बॉडी के सरफेस से रेडिएशन उत्सर्जित होता है, और जितना हाई टेम्परेचर होगा तो हाई अमाउंट में हमारा रेडिएशन एमिट होगा, यानी रेट हाई होगी रेडिएशन को उत्सर्जित करने की। इसी तरह से नेचर ऑफ द सरफेस, यानी कि आपका जो सरफेस का नेचर है वो कैसा है, रफ है या फिर पॉलिश्ड है, फ्लैट है, उसी के अकॉर्डिंग रेडिएशन आपका अकर होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होगी। और जैसे ही आपकी रेडिएशन एमिट होगी तो वो जो रेडिएशन एमिट होगी उसकी वेवलेंथ भी आपकी अलग अलग होगी, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही आपकी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी भी चेंज्ड होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे बहुत सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स के साथ डील करता है। तो वो पैरामीटर्स और फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज टोटल एमिशन पावर। टोटल एमिशन पावर को हम इमिसिव पावर भी कहते हैं। तो देखिए, द इमिसिव पावर इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया एंड टाइम। किसी भी बॉडी से एकांक एरिया और एकांक समय में जो रेडिएशन एमिट होता है उसका जो टोटल अमाउंट होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एमिसिव पावर। यानी किसी बॉडी से पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया से उत्सर्जित होने वाला जितना भी रेडिएशन का अमाउंट होगा, यानी जितनी भी रेडिएशन आपकी उत्सर्जित हो रही है वो टोटल रेडिएशन का अमाउंट क्या कहलाएगा, हमारा टोटल एमिशन पावर, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर में। द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द फोर्थ पावर। जो एमिशन पावर होती है किसी भी ब्लैक बॉडी की, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी ब्लैक बॉडी की जो एमिशन पावर होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, बी फॉर ब्लैक यहाँ पर है, इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जैसे यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम सिग्मा कहते हैं, जो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। तो ये हमारा वॉट पर मीटर स्क्वायर में होता है। और अगर हम इसे पर यूनिट एरिया के लिए निकालें तो ED = क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4 वॉट। अगला जो हमारा फैक्टर है दैट इज मोनोक्रोमेटिक इमिशन पावर, जिसे हम ई लैम्डा से डिनोट करते हैं। इट इज ऑफन नेसेसरी टू डिटरमाइन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ सरफेस। तो किसी भी सरफेस से जो भी आपकी एनर्जी रेडिएट हो रही है
तो उसका जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसे डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है। एट एनी गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट वेवलेंथ वेरीज एट डिफरेंट वेवलेंथ। तो किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पर यूनिट वेवलेंथ पर जो आपकी रेडिएशन का अमाउंट एमिट होता है या उत्सर्जित होता है वो हमारा अलग अलग वेवलेंथ तक वेरी करता है। फॉर दिस पर्पज द मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ई लैम्डा ऑफ द सरफेस इज यूज। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि जहाँ पर किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पर अगर किसी भी सरफेस से एमिटेड रेडिएशन के अमाउंट को हम पर यूनिट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं तो वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में वेरी करता है। तो इस कंडीशन के लिए हम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर का यूज करते हैं और ये हमारा डिफाइन किया जाता है एज द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ। सो ये जो हमारी मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर होती है ये पर यूनिट सरफेस एरिया और पर यूनिट वेवलेंथ से रेडिएट होने वाली जो एनर्जी होती है और ये एनर्जी जो आपकी रेडिएट होती है ये पर यूनिट टाइम में होती है। तो जो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ पर यूनिट टाइम। और अगर हम पर यूनिट टाइम में एनर्जी के अमाउंट को निकालते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। तो अगर हम इसे रेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है सिंपली हमारा कि पर यूनिट सरफेस एरिया से और पर यूनिट वेवलेंथ से जो भी हमारी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी जो रेट है वो हमारी क्या कहलाएगी, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। और अगर हम इसे अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो पर यूनिट टाइम को और इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो जो टोटल एमिसिव पावर है उसका फॉर्मूला होता है हमारा ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा वॉट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इमिशन फ्रॉम रियल सरफेस इमिसिविटी। द इमिशन पावर फ्रॉम आर रियल सरफेस इज गिवन बाय ई इक्वल टू इमिसिविटी ऑफ द मटीरियल इंटू सिग्मा ए टी की पावर 4 वॉट। तो किसी भी रियल सरफेस से जो इमिशन पावर होती है मोस्टली जो हम किसी की भी कैलकुलेशन करते हैं तो एक आइडियल कंडीशन को लेके चलते हैं बट आइडियल जो रियल होती है वो आइडियल से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो इमिशन है वो हमारा रियल के लिए निकाला गया है रियल सरफेस के लिए तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा ई इक्वल्स टू इमिसिविटी ऑफ द मटीरियल सिग्मा एरिया सरफेस एरिया हो गया हमारा और ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। अब ये जो इमिसिविटी होती है ये हमारी क्या होती है, देखिए इमिसिविटी इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ अ बॉडी टू रेडिएट हीट। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी ऑफ इक्वल टेम्परेचर। तो एमिसिविटी हमारी किसी भी मटेरियल की होती है और किसी मटेरियल की एमिसिविटी हमारी एक एबिलिटी होती है यानी कि जो भी आपकी बॉडी है वो बॉडी सरफेस से जो हीट रेडिएट कर रही है तो सरफेस से हीट रेडिएट करने की जो एबिलिटी होगी वो उस मटेरियल की एमिसिविटी कहलाती है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस होती हैं और वो सरफेसेस आपकी मटेरियल के अकॉर्डिंग होगी तो प्रत्येक मटेरियल के सरफेस से जो हीट रेडिएट होगी तो उस हीट को रेडिएट करने की जो एबिलिटी होगी वो हमारी क्या कहलाती है, मटेरियल की इमिसिविटी।
या फिर हम जनरली जो इमिसिविटी है उसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी की जो इमिसिव पावर है और जो ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर है उन दोनों का रेशियो, बट दोनों ही यानी कि किसी दी हुई बॉडी और किसी ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है दोनों ही कैसे होने चाहिए, हमारे इक्वल टेम्परेचर पे होने चाहिए। यानी कि एक समान टेम्परेचर पर अगर हम किसी एक बॉडी की इमिसिव पावर को ले रहे हैं और ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर को ले रहे हैं और उन दोनों का रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मेटीरियल की इमिसिविटी। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए ये हो गया हमारा किसी भी गिवन बॉडी की इमिसिव पावर और ये हो गया हमारा ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर और इन दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, इमिसिविटी। इमिसिविटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग रेंज की होती है और ये जो रेंज होती है वो हमारी 0 to 1 तक वैरी करती है। तो ब्लैक बॉडी के लिए जो इमिसिविटी की वैल्यू होती है वो 1 होती है, व्हाइट बॉडी के लिए जो इमिसिविटी की वैल्यू होती है वो 0 होती है और ग्रे बॉडी के लिए ये हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इट में वेरी विद टेम्परेचर और वेवलेंथ, जैसे मैंने आपको बताया था जैसा टेम्परेचर होगा या जैसे सरफेस का नेचर होगा या जैसा आपका वेवलेंथ होगा एमिट होने वाले रेडिएशन का, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इमिसिविटी अलग अलग होगी। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे सरफेस इमिशन सरफेस की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे।